सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुबना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पीटा ब्रेड बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस ब्रेड से आप रैप, सैंडविचेस या फिर शवरमा भी बना सकते हैं। मैं इस ब्रेड से आपको आगे की वीडियोस में शवरमा बनाना सिखाऊंगी। आइए हम देख लेते हैं हमें पीटा ब्रेड को बनाने के लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। पीटा ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम यानी कि 2 कप मैदा लिया है। आप इसकी जगह आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो। एक अंडा लेंगे जिसको कि हम बीट करके इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून ईस्टर्न ईस्ट लिए और 2 टेबलस्पून तेल लिया है। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। 1 टीस्पून पाउडर शुगर लिए, आप इसकी जगह ग्रैन्यूलेटेड शुगर भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक लिया है और गुनगुना पानी लेंगे इसका डो तैयार करने के लिए। आइए देखते हैं हम इसको कैसा बनाएंगे। सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट कर लेंगे। इसके लिए हम ईस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, साथ में हम इसमें शक्कर भी ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पर मैंने पाउडर्ड शुगर लिए, आप ग्रैनुलेटेड शुगर भी ले सकते हैं। पाउडर्ड शुगर जल्दी डिजॉल्व हो जाती है इसलिए मैंने लिए। और साथ में हम इसमें गुनगुना पानी ऐड करेंगे। ध्यान रखेंगे पानी बहुत गर्म भी नहीं हो और बहुत ठंडा भी नहीं हो। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ईस्ट इसमें अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो जाती है। और इसको 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। ये देखिए इसमें झाग फॉर्म हो गई है, इसका मतलब है कि हमारी ईस्ट एक्टिवेट हो गई है। इस प्रोसेस में 8 से 10 मिनट लगते हैं। ईस्ट एक तरह की खमीर होती है जो कि आटे को फर्मेंट करने में काफ़ी मदद करती है। अब हम अपना डो तैयार करेंगे। हम इसमें एक्टिवेटेड ईस्ट ऐड करेंगे, साथ में अंडे को हम अच्छे से बीट करके ऐड करेंगे। साथ में नमक ऐड करेंगे, तेल ऐड करेंगे और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। और इन सभी को हम पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। पीटा ब्रेड के डो को सॉफ्ट गूंदा जाता है, इसको हार्ड नहीं गूंदा जाता है। हम इसमें हल्के हल्के हाथों से पंच देंगे और डो तैयार करेंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हमने अपने डो को गूंद लिया है और हमारा डो गूंद कर तैयार है। ये देखिए मैंने इसको कितना सॉफ्ट गूंदा है। अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। और इसको एक लिड से ढक देंगे और कम से कम 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने रख देंगे। ये देखिए 2 घंटे हो गए हमारे आटे को रेस्ट करते हुए और ये अपनी क्वांटिटी का डबल भी हो गया है। अब हम इसमें से एक पोर्शन लेंगे और रोलिंग सरफेस पर हम थोड़ा सा ड्राई फ्लावर डस्ट कर लेंगे और इसको हम इसमें थोड़ा सा कोट करेंगे ड्राई फ्लावर में और इसकी एक बॉल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको हाथों की मदद से थोड़ा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। और इसको हम एक पराठे के जितना मोटा बेलेंगे, 6 से 7 इंच की डायमीटर में हम इसको बेलेंगे। हम इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। ये देखिए हमने इसको 6 से 7 इंच की डायमीटर में रोल कर लिया है। अब हम इसमें एक फोक की मदद से इसमें इस तरह से होल कर देंगे, इसको प्रिक कर देंगे ताकि जब हम इसको तवे पर सेकें तो ये फूले नहीं। अब हम मीडियम हीट पर एक पैन गरम करेंगे और इस पर रोल की हुई अपनी ब्रेड को डाल देंगे। 30 सेकेंड्स के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे जब हमें इसमें हल्के हल्के बबल्स दिखने लगेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसको हम स्लोली सेकेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। हल्का हल्का सा हम इसमें घी या फिर तेल अप्लाई कर देंगे। हम इसमें ज़्यादा घी या तेल अप्लाई नहीं करेंगे, पराठे की तरह बिल्कुल हल्का सा अप्लाई करेंगे। और इसको इस तरह से दबा दबा कर सेकेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको स्लोली सेकेंगे। पीटा ब्रेड को हाई फ्लेम पर नहीं सेका जाता है, इसमें फ्लेम को मीडियम या फिर लो टू मीडियम रखा जाता है।
ये देखिए इस तरह से हमारी पीटा ब्रेड तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, ये देखिए। और सेम इसी मेथड से हम दूसरी ब्रेड को भी सेक लेंगे। हम इसकी साइड चेंज करके इसमें भी ऑयल अप्लाई करेंगे बिल्कुल हल्का सा, और दोनों साइड्स में हल्का हल्का सा ऑयल अप्लाई करके हम इसको अच्छे से सेकेंगे। ये देखिए इस तरह से प्रेस कर करके हम इसको सेकेंगे। ये देखिए, अगर आप पीटा ब्रेड अवन में बनाना चाहते हैं तो आप 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए अवन को पहले प्री हीट कर लीजिए, और फिर इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए बेक कर लीजिए। आपकी पीटा ब्रेड एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरी इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।